औरतें इन बातों की परवाह नहीं करती। तो हालांकि ये खालिसतन औरतों के मसाइल हैं, लेकिन ये भी मर्द की जिम्मेदारी में आते हैं कि वो औरत की नमाजों की भी फिक्र करे। इतनी फिक्र मर्दों को मालूम होनी चाहिए और वो पूछे भी कि क्या हो रहा है। इसका एक फायदा ये भी है ना कि फिर मर्द को औरत के मामलात से बाखबर रहना पड़ेगा, वो उससे लापरवाह और बेपरवाह नहीं हो सकता। आठवीं यह कि अगर उसकी बीवियां एक से ज्यादा हो तो उनमें अदल इंसाफ करे। रात गुजारने और खर्च देने में बराबरी है, ना कि मोहब्बत करने में, क्योंकि ये उसके इख्तियार में नहीं है। फिर अगर सफर पर जाए और चाहे कि किसी बीवी को साथ ले जाए तो उनमें कुर्रा डाले, नहीं टॉस करे, जिसके नाम पर निकले उसको साथ ले जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था। नवी मुखालफत है, अगर औरत मर्द के खिलाफ उठ खड़ी हो, इन नशूज जिसको कहते हैं कुरान में, आप सब इसको पढ़ चुके होंगे, इन्हें उसका खास हक न दे या सरकशी करे, तो मर्द का हक है कि उसको अदब सिखाए। यानी जायज बात में भी मर्द की बात सुने ही ना, माने ही ना, उसका हक ना दे, तो फिर शौहर ही को अल्लाह ने जिम्मा दिया है कि वो बीवी को समझाए, उसे ताकत से इताअत पर आमादा करे। लेकिन इस तादीब में, यानी अदब सिखाने में, दर्जा बंदी को मलहूज रखे, स्टेप बाय स्टेप। पहले उसे नसीहत करे, फिर धमकी दे, अगर इससे फायदा ना हो तो उसे उसके बिस्तर में तन्हा छोड़ दे, क्योंकि ये बात औरत पे बहुत ग्रां गुजरेगी। उसकी तरफ पीट कर ले, यानी नाराज हो जाए, इसका भी असर ना हो तो अपना बिस्तर अलग कर ले, और इससे 3 दिन से कम बोलचाल बंद कर दे, 3 दिन से कम, ज्यादा नहीं। फिर अगर इससे भी फायदा ना हो तो उसे मारे, लेकिन सख्त ना मारे, और वो ये है कि उसका जिस्म खून आलूद ना हो और उसके चेहरे पर भी ना मारे। 10वें, जिमा के आदाब से मुतल्लिक, मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करे, क़िबले से मुंह फेर ले, जिमा के वक्त ऊपर कपड़ा डाल ले, नंगा ना हो, और ये कि पहले खेल और मानका और बोसो किनार शुरू करे। बाज़ उलमा जुमा के रोज जिमा करना मुस्तहब समझते हैं, फिर जब मर्द फारिग हो जाए तो उसी हालत में कुछ देर ठहरा रहे ताकि औरत भी फारिग हो जाए, क्योंकि उमूमन औरत का इंजाल मर्द की निस्बत देर से होता है। हैज की हालत में और पखाना की जगह में मजामत करना जायज नहीं, अगर दोबारा मजामत करना चाहे तो अपनी शर्मगाह को धोकर वजू कर ले। जनाबत की हालत में बाल ना मुंडाए, नाखून ना कटाए और खून ना निकलवाए, यानी वो जो पछने लगवाते ना, अजल करना इंजाल के वक्त अपनी शर्मगाह को बाहर निकालकर मनी गिरा देना जायज लेकिन मकरूह है। 11वीं, विलादत के आदाब हैं और वो 6 हैं। पहला ये कि लड़के की पैदाइश पर ज्यादा खुश और लड़की की पैदाइश पर गमगीन न हो, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि लड़के में भलाई है या लड़की में, यानी कि बच्चों की पैदाइश में भी इंसाफ से काम ले। आमतौर पर लोग लड़के की पैदाइश में ज्यादा खुश होते हैं और लड़की की पैदाइश पर गमगीन होते हैं, जैसे कि कुरान पाक में भी बात की गई, दौरे जाहिलियत में खास तौर पर ऐसा होता था, वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्था ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुशिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। कि जब उनमें से किसी को बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती है तो वो गम के घूंट पीना लगता है, उसका चेहरा स्याह हो जाता है, सोचता है कि क्या उसको जिल्लत के साथ लिए रखे या मट्टी में दबा दे, कितना बुरा है फैसला जो वो करते हैं। तो बात यह है कि किसी को नहीं पता कि उसका फायदा लड़के की पैदाइश में है या लड़की की पैदाइश में, कौन किसके हक में ज्यादा बेहतर है अल्लाह ही जानता है।